क्वेश्चन नंबर 2.13 देखते हैं बेटा। 2.13 क्या कह रखा है? कह रहा है कोई फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल पी है, कह रखा है कि चार ऑब्जर्वेटिव क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी से रिलेट करती है। पी रिलेट करती है ए बी सी एंड किससे? डी से। और जो रिलेशन है वो ऐसा है कि ए क्यूब बी स्क्वायर सी रूट डी, ठीक है ना, ऐसा है रिलेशन। कह रखा है कि ए बी एंड सी में जो एरर्स हैं 1%, 3%, 4%, 2%, ए में जो एरर है ये 1% का, बी में जो एरर है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3% का, सी में जो एरर है ये 4% का, और डी में जो एरर है ये 2% का, ऐसा क्वेश्चन कह रखा है। कह रहा है पी में परसेंटेज एरर कितनी है, पहले तो ये बताएं पी में परसेंटेज एरर कितनी है, पी में एरर कितनी है परसेंटेज? सबसे पहले P इज इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपान सी रूट डी, इनका लॉग ले लें। लॉग ले लें लॉग में मल्टी का किसमें हो जाता है? प्लस में, और डिवाइड का माइनस में हो जाता है। जब आप लॉग ले लेते हैं 3 आगे आ जाएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, अंडर रूट बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें ऐसे, 3 को बाहर कर लें, 2 को बाहर कर लें, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन से जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी। फिर मॉड कर दें, मैक्सिमम एरर चाहिए ना, और मल्टी 100 BC वत कर दें, तो जितने अंदर माइनस हैं मॉड मैक्स जैसे करेंगे, अंदर जितने माइनस सब प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, अब पुट कर दें वैल्यू 3 डेल्टा ए अपान ए मल्टी 100 जो है वो 1% है, डेल्टा बी अपान बी मल्टी 100 ये 4% है, आई एम सॉरी 3% है। ये 4% डेल्टा सी अपान सी मल्टी 100 है, प्लस डेल्टा डी अपान डी मल्टी 100 ये 2% है, तो डेल्टा पी अपान पी मल्टी 100 जितना आएगा मॉड लगाकर मैक्स लगाकर ये कितना आएगा? 3639 413 14 लगभग कितना परसेंट आ रहा है? 13% आ रहा है। 6 3 9 6 3 2 6 3 9 और 9 ये कितना है? 1 ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, 1 9 कोई बात नहीं, 3 6 3 9 4 13 9 4 13 और 13 14% आ रहा है, 14% आ रहा है, ये हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रखा है क्या?
कह रहा था कि कैलकुलेशन में जो पी की वैल्यू मिली है वो 3.763 मिली है, 3.763 पी की जो वैल्यू मिली है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में जो पी की वैल्यू मिली है 3.763 मिली है, ठीक अच्छा है। कह रहा है पी के मान में परसेंटेज एरर, तो आपने 14% निकाल ही लिया है पी की वैल्यू में एरर। फिर क्या कह रखा है, कह रखा है कि मतलब कि परसेंटेज एरर आपने कहा 14% की त्रुटि है, 14% का एरर है पी की वैल्यू में आपने निकाला, जो एरर है वो कितना परसेंट, 40%। तो ज़रा आप बता दें, ज़रा इस एरर की वैल्यू बता दें, इस एरर की क्या बता दें, वैल्यू बता दें। तो एरर की वैल्यू, इस एरर की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसी में 14/100 कुछ ना कुछ तो आएगा ही, एरर की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, किसकी वैल्यू, एरर की वैल्यू। और एरर की वैल्यू लगभग लगभग आ जाएगा लगभग 0.5% अप्रॉक्स टू बी 0.5 आ जाएगा, जो एरर आएगा पी में लगभग अप्रॉक्स 0.5 आ जाएगा। अब अगर मैं आपको देखूं कि जो एरर आया वो पॉइंट के बाद केवल कितने डिजिट तक है, 1 डिजिट तक है, एक अंक है केवल एरर, तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक कहता है कि हम जिसमें मिनिमम हो नंबर ऑफ डिजिट्स उसी को लेते हैं, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट कहता है। तो पी के वैल्यू को हमको लिखना कहनी चाहिए, तो पी की वैल्यू को हमको पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट तक लिखना चाहिए, 3.7 नहीं, 3. कितना 8, ये 6.5 से बड़ा है तो 1 इसमें ऐड कर दीजिए, यानी पी को लिखा कैसे जाए, 3.8 प्लस माइनस एरर को लिखते हैं, पॉइंट कितना 5, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो गया, ठीक है बेटा।